सब्जेक्ट करने के पहल करने के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय। भारतीय संस्कृति में विविध पौराणिक लोक जो जी आचार्य जी, जो आज यहाँ प्रोग्राम के लिए आप आए हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के समाज के ऊंचे तबके तक जिन्हें पुरोहित कार्य कराने के लिए अच्छे ब्राह्मणों की आवश्यकता होती थी वो उपलब्ध नहीं हो पाते थे, इस अभाव में लोग बहुत सारे कार्यक्रम नहीं कर पाते थे, उसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है पुरोहित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें सभी पंडितों को जो पुरोहित कार्य कराना चाहते हैं उन्हें सरकार प्रशिक्षित करने जा रही है। वेद मंत्र कैसे पढ़ने चाहिए और जो धर्माचार्य कैसे तैयार किए जा सकते हैं, किस तरीके से समाज में जाकर के वो हमारी जो सही नीति और रीति है उसको बता सकें, समाज की भी व्यक्त कर सकें, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारा नाम नीरज त्रिपाठी और इस कार्यक्रम के संयोजक कोऑर्डिनेटर कानपुर नगर। जो ये कार्यक्रम आज रखा गया है यहाँ पे उसके बारे में बताएं। ये कार्यक्रम पौरोहित प्रशिक्षण केंद्र है और ये मुख्यमंत्री जी की विशेष प्रशंसनीय योजना है। ये अभी ये पायलट के तौर पे प्रत्येक नगर में, ये प्रत्येक जनपद में इसको शुरू किया गया है। इसके बाद इसको तहसील स्तर पर और आगे भी इसको बेहद रूप में शुरू करेंगे। इसके तहत 30 प्रशिक्षणार्थियों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको पुरोहित योग्य पुरोहित बनाया जाएगा और इसके लिए जो प्रशिक्षक एक नियुक्त किया गया है उनको सरकार 500 रुपये पर डे के हिसाब से, 15,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 15,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से उनको वो देगी, अनेरिया देगी, भत्ता देगी। और इसी टाइप से जब ये प्रशिक्षक जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे बच्चे तो ये भी इसी कार्य को करेंगे। प्रशिक्षण में इनकी नियुक्ति होगी इसी सर्टिफिकेट के द्वारा, सरकार जो सर्टिफिकेट देगी इससे ये लोग, ये रोजगार मिलेगा इनको, इनको भी सरकार ये पैसा देगी। ये गांव में नियुक्त होंगे, तहसील स्तर पर नियुक्त होंगे, विकास खंड स्तर पर नियुक्त होंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी की ये योजना है। और यहाँ पे ये संस्कृत संभाषण का भी है, वो भी दिया जाएगा। तो ये आज से शुरू हो रहा है यहाँ पे? जी आज इसका उद्घाटन है और इसके में प्रदेश संयोजक आचार्य कुशल देव जी और मंडल संयोजक डॉक्टर योगेश मिश्र जी, ये लोग भी आज इनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन होगा।